हम जब भी कभी चावल बनाते हैं तो थोड़े बहुत चावल तो बच ही जाते हैं, तो उन बचे हुए चावल से मैं बनाती हूँ बच्चों के लिए यह टेस्टी सी रेसिपी जो कि बच्चों को बहुत ही पसंद आती है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इसकी रेसिपी आपके साथ भी शेयर की जाए। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये रेसिपी मैं बचे हुए चावल से बनाती हूँ, तो मेरे पास रात के ये चावल थे जो बच गए थे, तो मैंने इन्हें मिक्सर जार में डाल दिया। फिर इसमें मैंने डाला 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच मैंने इसमें डाला है लाल मिर्च का पाउडर, क्योंकि मैं ये बच्चों के लिए बना रही हूँ तो इसलिए मैंने इसमें लाल मिर्च कम डाली है। 1 चम्मच मैंने इसमें डाला है आमचूर पाउडर, नमक अपने स्वाद अनुसार डालिएगा, और 1 बड़ी चम्मच मैंने इसमें डाला है बेसन, इससे इसमें बाइंडिंग अच्छी आएगी। और थोड़ा सा पानी डालकर इसका हमें महीन पेस्ट बनाकर तैयार करना है। तो देखिए इसे पीसकर मैंने इसका पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। इसके बाद हमें इस पेस्ट को एक पॉलीथीन में डाल देना है। पॉलीथीन में डालने के बाद एक रबर लेंगे और इस तरह से एक टाइट नोट लगा देंगे। फिर हमें एक सीजर लेना है और इससे पॉलीथीन की नोक को काट लेंगे। एक पैन में हम तेल गरम करेंगे और जो सीजर है इसके हम दोनों ही ओर तेल को अच्छी तरह से लगा देंगे ताकि जब हम पेस्ट को काटेंगे तो वो इस पर चिपके नहीं। तेल गरम होने के बाद पॉलीथीन को प्रेस करेंगे और इस तरह से हम सीजर से काटते जाएंगे। ज्यादा बड़े साइज के मत काटिएगा, नहीं तो पलटते समय ये टूटेंगे। इन्हें हमें मध्यम आंच पर हल्के हाथों से पलटते हुए तलना है। जब इन पर अच्छा सा कलर आ जाएगा और ये क्रिस्पी हो जाएंगे तो इन्हें हम निकाल लेंगे। अब चाहो तो इन्हें इसी तरह से भी खा सकते हैं, पर मैंने इस पर थोड़ा सा चाट मसाला डाला है क्योंकि चाट मसाले से इसका टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाता है, और इसे अच्छी तरह से हम मिला देंगे। तो लीजिए हमारे बचे हुए चावल से ये टेस्टी सी रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है, और यकीन मानिए इसे खाने के बाद कोई ये बता नहीं पाएगा कि इसे आपने बचे हुए चावल से बनाकर तैयार किया है। ये इतने टेस्टी लगते हैं और बच्चे तो इसे बहुत ही पसंद करते हैं। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।